हाय दोस्त, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि आप आरआरसी जाके पता कीजिए ग्रुप डी का फिजिकल डेट कब तक आ जाएगा, और हम ऑन कैमरा गए आरआरसी और बात करके ग्रुप डी का फिजिकल डेट भी बता दिए थे पिछले वीडियो में। उसका लिंक भी इस वीडियो में डाल दिया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम 12 जनवरी को बात किए थे, लेकिन 14 जनवरी 2023 को लेटर भी टाइप हो गया और डिविजनल सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ का परमिशन भी मिल गया। अब आपका फिजिकल का डेट कंफर्म हो गया है, जो लेटर में दिया गया है आप लेटर पढ़ सकते हैं। आप लोग को वीडियो में भी हम बता दिए थे कि पीएम मोदी के कारण आप लोग का जो फिजिकल का डेट है वो चेंज हुआ, नहीं तो 24 जनवरी के बीच में आप लोग का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नया डेट जो आया है वो नेशनल यूथ फेस्टिवल था, इसी के कारण मोदी यहाँ आए थे रेलवे स्पोर्ट ग्राउंड में, और वहीं पूरा कार्यक्रम हुआ था, इसके लिए आपको डेट चेंज हुआ। नया डेट जो आपका आ गया है वो 30 जनवरी, देख सकते हैं यहाँ, 30 जनवरी टू 6 फरवरी 2023 को होगा। देख लीजिए यहाँ पर साइन भी हो गया है, देख सकते हैं ये साइन भी हो गया है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर से साइन लिया गया, आरपीएफ से, ये हुपली का इससे साइन लिया जाता है, इसलिए कि ग्राउंड में आरपीएफ का भी तैनात होता है। इसीलिए जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो आरआरसी नहीं करवा सकता है, यहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आरआरसी कराएगा। आप देख दीजिए ये डेट का परमिशन दे दिया है। अब 30/1/2023 से 6/2/2023 के बीच में होने वाला है, आप लोग तैयारी बहुत अच्छा से करके आइएगा। बाकी ग्राउंड का अपडेट हम बताते रहेंगे, ग्राउंड में क्या कंक्रीट बिछा है क्या है वो मैं जब ग्राउंड बनेगा तो उस टाइम हम बता देंगे आप लोग को। मेरा चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो 12 जनवरी को ही मैं आरआरसी जाके आप लोग को अपडेट दे दिया था कि 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में ये होने वाला है दौड़। आप लोग का कोई भी दिक्कत हुबली में होगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। आप लोग का ये जानकारी कैसा लगा होगा कमेंट करके बताइएगा प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्त।